بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا हर किस्म दी हमद सना किबरियाई बड़ाई यकदाई शहनशाही अल्लाह जुल जलाले वाली कराम दी बाबरकत जात वास्ते जिस मालिक ने अपनी रहमत दे खास फरमा के फरीदा जुमा अदा करने वास्ते अपने घर दी हाजरी नसीब फरमाई है। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल मेरी और तुसा सबना दी हाजरी कबूल फरमाए। दरुदो सलाम इमाम कायनात इमामुल अंबिया इमाम आज़म मुर्शद आज़म हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस अतहर आला बाला वास्ते मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अजीज दोस्तों बुजुर्गों मुअज़्ज़ज़ात माओ बहनों बेटियों मुहर्रमुल हराम दे महीने दे अंदर नबी पाक अली सलातु सलाम दे अहले बैत दा आप दी आल दा जिक्र जारी सारी है। आप दी आल विचों आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर नबी करीम अली सलातो सलाम दी सब तो लाडली और प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा जाकिया मुजक्किया अम्मा जी फातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हादा जिक्र खैर इंशाअल्लाह कीता जाएगा। गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर तुसी अहबाब इस बात नू सुन चुके हो कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर नू तीन बेटे और चार बेटियां अता फरमाईया। सैयदा फातिमा अपनिया भैणां विचों सब तो छोटी अल्लाह जुल जलाले वली कराम ने आप दियां सारियां बेटियां नू ही मुकाम अजमत शान अता कीता है। मगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा को मुनफरिद ही नजर आउंदियां ने अपने मुकाम अपनी शान अंदर। एक बात दे नशीन कर लो कि जदों नबी पाक दे किसे एक सहाबी का जिक्र किया जा रहा होए तो उन्दे तो मुराद ये नहीं हुंदा कि दूजियां दा मुकाम कोई नहीं। आप दी किसे एक बीवी का जिक्र किया जा रहा होए तो उन्दे तो मुराद ये नहीं कि आप दियां दूसरियां बीवियां दा कोई मुकाम कोई नहीं। आप दी औलाद विचो किसे दा जिक्र खैर जिस तरह अज जुमे अंदर असी अम्मा जी फातिमा रजी अल्लाह ताला अनहा दा जिक्र करना है इन्दे तो मुराद ये नहीं होएगा कि सैयदा जैनब दा मुकाम कोई नहीं
या सैयदा रुकैया उम्मो कलसूम दी अजमत और शान कोई नहीं। हर दा अल्लाह पाक ने एक अलग मुकाम बनाया है, अलग शान बनाया है, अलग सीरत बनाई है। सैयदा फातिमा मेरे महबूब पैगंबर दी लाडली और सब तो प्यारी और छोटी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी मां अम्मा जी खतीजा दी भी बड़ी लाडली बेटी। अरब अंदर एक रिवाज सी, बच्चा पैदा हुंदा या बच्ची पैदा हुंदी, शहर दे लोग अपने बच्चियां नूं दुध पियाण लई देहात दे अंदर भेजिया करदे। जिस तरह मेरे पैगंबर पाक दी सीरत तैयबा अंदर विलादत मुस्तफा अंदर तुसी उलमा कोल सुने कि आप भी हजरत हलीमा सादिया दे घर अपना बचपन वाले आयाम गुजारे, हत्ता के आप 4 साल की उम्र तिकर हजरत हलीमा सादिया को रहे। अरब अंदर ये दस्तूर सी, ते जदो सैयदा फातिमा पैदा हुईया तो अम्मा जी खतीजा फरमान लगियां कि अल्लाह दे महबूब मेरा जी नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी फातिमा नू किसे दाइया नू दिया तो अपने घर अपने पिंड लै जाए, फातिमा नू दुध पियावांगी ते मैं खतीजा आप पियावांगी, इंदी तरबियत मैं करांगी, इंदी परवरिश मैं करांगी, आप करांगी। ते फितरती गल है ना, छोटी औलाद बंदे नूं बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि एक वक्त आंदा है उम्र का एक हिस्सा जो गुजर जाए ना फिर बाला नाल प्यार करन नूं जी करता है। बड़ी औलाद उदो उंज बड़ी हो चुकी हुंदी है ते फिर छोटे बच्चे ना आवेंदे हो ना, कई दादे अपने पोतरिया नाल बड़ा खेडते ने, कई नाने अपने दोतरिया नाल बड़ा खेडते ने, बाला नाल बंदा बाल बनिया हुंदा है। 100 सियाणा ते एक न्याणे वाली गल बन जाती, ते जगां दे पीर सैयदा फातिमा नाल बड़ा प्यार, सैयदा खतीजा दा बड़ा प्यार, ते मेरे महबूब पैगंबर दी बेटी अल्लाह दे पाक पैगंबर ने एलाने नबूवत फरमा दिता है। एलाने नबूवत तो 5 साल पहले अम्मा जी फातिमा पैदा हुई ने, मेरे पैगंबर ने एलाने नबूवत फरमाया आमना दे लाल नू मक्के वाले ने सताना शुरू कर दिता है, मेरे पैगंबर नू तकलीफां देनियां शुरू कर दितियां, गालां देनियां शुरू कर दितियां। सादक ते अमीन कहन वाले मजनू ते दीवाना कहन लग पे, नबी पाक दे जान दे वैरी बन गए, ते मेरे पाक पैगंबर दियां बेटियां नू जिवें पता लगदा है अज बाबे नू बड़ी तकलीफ आई है, बेटियां मेरे मुस्तफा दियां उन्ना ही ज्यादा अपने बाबे मुहम्मद नाल प्यार कर दियां ने। मेरे पैगंबर नू जिते सताया गया नूरुलोदा मेरे मरकज विच आउण वाले हो, ते मेरे पैगंबर दियां बेटियां नू भी बड़ा सताया गया। पिछले जुमे अंदर तुसी सुनिया किंज करके सैयदा ज़ैनब नू मारा पईआं, किंज करके सैयदा ज़ैनब नू खंजर याने दे वजे, किनियां तकलीफां सैयदा ज़ैनब ने उठाईयां ने। एवें ही मेरे पाक पैगंबर दी बेटी फातिमा नू भी बड़ियां तकलीफां आईयां, अपने बाबे दे नाल नाल छोटियां जो सन दूजियां भैणां जवान ने फातिमा बाहर भी निकल जांदियां, मक्के दे बाजारां दे अंदर चलियां जांदियां। एक दिन बुखारी पाक विच लिखिया है जगां दे पीर बैतुल्ला विच सजदे पए हुए ने,
ते अबू जाल बेईमान कहिंदा है फला जगह ते एक ऊंट ज़िबा कीता गया है ते उंदी ओजरी पई है, उंदी ओजरी दे अंदर जड़ा गंद है वह भी वेची पिया है। ते ऊंट दी ओजरी आम जानवरां दे निस्बत ज़्यादा हुंदी है, चूंकि जानवर जो बड़ा हुंदा है। को बंदा जड़ा उठे वह गंदी ओजरी ले आके मुहम्मद दे उत्ते सुट देवे, सल्लल्लाहो नबी पाक दा नाम आए ना दुरूद पाक पढ़िया करो सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर दे उत्ते अकबा बिन अबी मुहीत जालम उठे आए, इन्हें चंद गंदे बदमाश नाल लैने ओजरी नू ले आके जगां दे पीर सजदे विच पैने, आमना दे लाल दे उत्ते ले आके ओजरी सुट दीती है। ते मेरे पैगंबर सजदे विच पैने ते हल ना सके, मेरे नबी दा एक छोटे जे कद वाला गुलाम, छोटे छोटे हत्थां वाला गुलाम, कारिए कुरान, हाफिज़ुल कुरान, मुफस्सिरे कुरान, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, इन्हां दा कद दरमियाना जे है, इन्हां दा वजूद थोड़ा जे है। मेरे पैगंबर दे यारां ने जदों लाड नाल प्यार नाल अब्दुल्ला नू कहा, अब्दुल्ला दियां लत्तां वेखो किन्नियां बरीक ने, ते मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अब्दुल्ला यार इन्हां नू की पता है तेरा मुकाम की है, कल कयामत वाले दिन अल्लाह पाक ने नेकियां बदियां तोलन वाला जदों तराजू कायम करना है, एक पलड़े दे अंदर अल्लाह पाक ओद पहाड़ नू रख देंगे, एक पलड़े दे अंदर अब्दुल्ला मेरे प्यारे तेरिया बरीक पिंडलियां नू रख दिता जाएगा, अल्लाह दे दरबार दे अंदर मेरे यार अब्दुल्ला ओद पहाड़ नालों भी तेरिया पिंडलिया का वजन ज्यादा हो जाएगा, तेरिया पिंडलियां दा वजन ज्यादा हो जाएगा। ए मेरे नबी दा यार दरमियाने जे कद वाला, इन्हें निक्किया निक्किया हत्थां दे नाल ओजरी नू खिचना चाहे ते ओजरी उतरदी नहीं पई है, ते रोंदिया दौड़े मेरे पैगंबर दे घर वल्ले, आमना दे लाल दा दरवाजा खड़काया, ते सैयदा फातिमा नजर आईया ने फरमाया, नहीं फातिमा तेरे बाबे ते मक्के वालिया ने गंदियां ओजरियां सुट दित्तियां ने, ते तेरे बाबे कोलो उठिया नहीं पिया जांदा, तियां वाले ओ जान दियो मापिया दे दुख तियां कोलो बर्दाश्त नहीं दे हुंदे। मेरे नबी दी मासूम बेटी, मेरे पैगंबर दी लाडली बेटी सैयदा फातिमा दौड़िया ने रोंदिया आ रही ने, अपने बाबे दे उत्तों ओजरी नू खिचना चाहदिया ने, हजरत अब्दुल्ला नाल लगे ने, ते सैयदा फातिमा बड़ी कोशिश करके इस गंदी ओजरी नू सैड ते कीता है, ते अम्मा जी फातिमा पानी ले आईया ने, ते ले आके अपने अपने बाप दे पाक बदन नू पानी नाल साफ कीता है, ओजरी दी गलाजत नू दूर कीता है, ते अर्जा कीतिया अब्बा जी इन्हां जालमां दे हक विच बद्दुआ क्यों नहीं जे कर देंदे, ते मेरे पैगंबर ने हाथ चुक लै आमला दलाल फरमान ने अल्लाह ए जालमा नू पकड़ लै, ए उकबा नू पकड़ लै, आ फलाने नू पकड़ लै, आ फलाने नू पकड़ लै। हजरत अब्दुल्ला फरमान ने जगह दे पीर ने जिन्ना सात बंदियां दा नाम लिया मैं वेख्या है, उन्हां विचों चारां नू अल्लाह पाक ने बदर दे मैदान दे अंदर जलील कीता है, ते दूजियां नू भी जगह दे पीर ने आप कतल करवा दिता है। उकबा बिन अबी मुहीत वर्गे गंदे बंदे मारे गए, मेरे मुस्तफा दी बद्दुआ लग गई, जिवें मेरे मुस्तफा दी दुआ बड़ी लगती सी ना, एवें मेरे मुस्तफा दी बद्दुआ भी कख नहीं सी रहन देंदी। मेरे पाक पैगंबर
मिंबर दी बेटी ने अपने हाथों के नाल अपने बाबे तो गंदी ओजरी उतारी, अपने बाबे का बदन मुबारक साफ किया है। अर्जा कीतियां अब्बा जी इन्हां मक्के वालियां नूं आवाज करन दी बजाय सानू कर लिया करो। ते फरमाया फातिमा पुत्र तुहानू नहीं पता अल्लाह पाक ने तुहाडे बाबे मुहम्मद दी ये ड्यूटी लगा दिती है। ते दुश्मनी होए ना किसे नाल ते बंदा बाला नू नहीं मारदा, जिड्डा भी को गंदा बंदा होए ना किसे ते बच्चियां नू नहीं मारदा बाला नू। ते सियाने ते आंदे ने बाल ते सांझे हुंदे ने चाहे दुश्मन दे क्यों ना होण, और बाला नाल लड़ाई कादी। ते जिहड़ा बाला नाल लड़ाइयां लैंदा उह कोई बंदा है, कोई इंसान है? मेरे पाक नबी दी बेटी सैयदा फातिमा बाजार में जा रही ने, अबू जाल बेईमान ने सैयदा फातिमा नु बुलाया, ते बुला के जोर नाल थप्पड़ मार दिता मेरे पाक नबी दी बेटी फातिमा दे चेहरे ते। ते सैयदा फातिमा रोन लग पईआं, ते रोंदियां रोंदियां मक्के दा जड़ा सब तो बड़ा चौधरी सी अबू सुफियान बाद दे अंदर हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला नू बने, यानी बाद विच मुसलमान बने। पहले कलमा नहीं सी बनया ते काफर सन, पर मेरे पाक पैगंबर दे सुसर भी बने हजरत अमीरे मुआविया दे अब्बा जान हाले कलमा नहीं पढ़िया। ते सैयदा फातिमा ने चेहरे ते हाथ रखे आए आ गई हजरत अबू सुफियान दे कोले, चाचा जी वेख लो अबू जाल ने मैनू थप्पड़ मारिया है, ना मैं उन्हों गाल कढ़ी है, ना मैं उन्हें नाल बदतमीजियां कीतियां ने, ना मैं उन्दे उत्ते घटा सटिया, ना को बद अखलाकियां वाली गल कीती है। ते इन्हें मैनू बिला वजह मेरे बाबे की दुश्मनी की वजह तो मैनू इन्हें चाट मारी है। मेरे नबी की बेटी रोन लग पई, अबू सुफियान उठाया मक्के का सरदार सी उदों उठाए आ के अबू जाल डेरे विच बैठा है, ते कहिंदा नी फातिमा इंदे मुंह ते रख के चाट मार ते मैं कोल खड़ा वा। सैयदा फातिमा डरिया नहीं, इंदे मुंह ते थप्पड़ मार दिता है, ते आ के मेरे पैगंबर नू सारी गल सुनाई। अबू जी अज अबू जाल ने मैनू थप्पड़ मारिया है, नी धी फातिमा तू उस गंदे बंदे दे कोल क्यों गई है? अबू जी मैं ते बाजार विच ओंजी गई सां, मैं ते खेडन गई सां, इस जालिम ने मैनू थप्पड़ मारिया है। ते मेरे मुहम्मद ने अपनी धी नू चुक के सीने नाल लगा लिया। बेटा फिर की होया है? फरमाया अब्बा जान मैं जाके चाचे अबू सुफियान नाल गल कीती है, ते अबू सुफियान ने मैनू नाल लिया के मेरा बदला दुआ दिता है। मैं थप्पड़ मार के आई हाँ अबू जाल दे मुँह ते बदला लेके आई हाँ, ते अबू सुफियान ने बदला दिवाया है। ते मेरे नबी ने हाथ चुक दिते, या अल्लाह जे अबू सुफियान एडा चंगा गाए ते फिर अबू सुफियान नू कलमा भी नसीब फरमा दे। अबू सुफियान ने जे फातिमा नाल इंज करके प्यार कीता है, ते मेरे बेटी दी मुहब्बत दी वजह तो अबू सुफियान नू कलमा नसीब फरमा दे। उलामा कहिंदे ने मेरे नबी ने दुआ कीती, अबू सुफियान ने फातिमा नाल जड़ा प्यार कीता है अल्लाह पाक ने इंदी दौलत हजरत अबू सुफियान नू कलमा नसीब फरमा दिता है, ते जन्नत दा मालक बना दिता है। कौन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब पैगंबर दी ओ बेटी जदों शहबे अबी तालब दे अंदर हजरत नू बंद कर दिता गया, मेरे पैगंबर दा सोशल बाईकाट कर दिता गया, मेरे नबी दे खानदान दा सोशल बाईकाट कर दिता गया है। ते शहबे अबी तालब दे अंदर सैयदा खतीजा भी ने, शहबे अबी तालब दे अंदर सैयदा फातिमा भी ने, सैयदा रुकैया भी ने,
सैयद उम्मे कुलसूम भी ने, सिर्फ कलियां हजरत जैनब कोई नहीं, क्योंकि जैनब की शादी हो चुकी है। ते हजरत तीन साल रह खुराक बंदे आन जान बंदे किदे हड्डियां पीस पीस के खादियां जा रही ने, किदे पत्ते खादे जा रहे ने, ते तीन साल चज का खाना नहीं मिलया, किधरे को तालक कैम नहीं करन दिता गया, आन जान नहीं दिता गया, हर किस्म का भाई काट कर दिता गया। और रोजेदारो जान दे ओ, सुबह दे वेले भी रज के खाना खांदे जे, अपनी मर्जी की सैरी करते जे, ते शाम नू पता इफ्तारियां भी साड़ी मर्जी दियां तैयार ने, ते फिर भी असर तो बाद बोलिया नहीं जांदा, जबान खुशक हो जांदी है, होंठ खुशक हो जांदे ने, बंदे दे साब साथ नहीं देंदे, जिस्म दियां ताकतां मुक जांदियां ने। यारो जरा गौर ते करो, तीन साल मेरे मुहम्मद ते की बीतियां होणगियां, ते मेरे नबी दी आल ते मेरे पैगंबर दे खानदान की बीतियां होणगियां। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मेरे पाक नबी दियां बेटियां कमजोर हो गईयां। मुफस्सरीन ने लिखिया है, सैयदा फातिमा पहलियां ही छोटियां जियां सन, इन्हां दा जिस्म भी बड़ा दुबला पतला जिहा है, ते शैबे अबी तालब दियां काटियां दे अंदर सैयदा फातिमा और ज्यादा कमजोर हो गईयां ने। इसे कमजोर एओ कमजोरी आई जड़ी सारी जिंदगी खत्म ना हो सकी, यही कमजोरी सैयदा फातिमा दी वफात दा सबब बन गई। 29 साल की उम्र अंदर, जवानी की उम्र अंदर अम्मा जी फातिमा अल्लाह पाक दे हजूर पहुंच गई, वफात पा गई। जगां दे पीर ते रब दे सोने हबीब, मक्का पाक तो हिजरत फरमा के सदीके अकबर नू नाल ले आए, ते मदीना तैयबा दे अंदर चले गए ने, मदीना पाक अंदर चले गए ने। मदीने जाके मेरे पैगंबर ने वेख्या, मदीने दे हालात साजगार ने, मदीने दे कबायल मेरे कलमा मेरे मुरीद भी बन चुके ने, मेरे मुहाफज भी बन चुके ने, मेरे खिदमत गुजार ते ताबेदार भी बन चुके ने। ते जगां दे पीर जदो हजरत खदीजा वफात पा गई, मेरे पाक नबी ने हजरत सौदा बिन जमा रजी अल्लाह ताला दे नाल निकाह कीता, शादी की। अम्मा जी ऐशा नाल निकाह होया, ते सैयदा सौदा नू मेरे पैगंबर अपने घर व्याह के ले आए ने। सौदा वडेरी उम्र दी औरत है, मेरे पैगंबर ने निकाह हजरत सौदा दे नाल तां कीता है कि मेरियां बेटियां जवान ने, ते सौदा मेरियां बेटियां नाल प्यार करेगी, मेरियां बेटियां दा ख्याल रखेगी, मेरियां बेटियां नाल उसने सलूक करेगी। हजरत सौदा बिन जमा ते कोल खत पहुंचे है, नहीं सौदा अपनियां बेटियां यानी मेरी बेटियां भी ना ले ले मदीना तैयबा दे अंदर आ जा। कुछ कलमा पढ़ वाले मुसलमान भी तैयार हो गए, हजरत सौदा बिन जमा आप दी दूसरी बीवी तैयार हो गई, मोमना दी मां भी तैयार हो गई, हजरत फातिमा भी तैयार हो गई, हजरत उम्मे कुलसूम भी तैयार हो गई, हजरत रुकैया दी ते शादी हो चुकी है हजरत उस्मान दे नाल, हजरत उम्मे कुलसूम भी नाल ने। ते जदों मक्कों निकलन लगे, मक्के वालियां नूं पता लग्या अज मुहम्मद दी बेटियां ते मुहम्मद दी बीवी सब को सल्लल्लाहु, उची बोलो भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे पाक पैगंबर दी बीवी ते बेटियां जा रही ने। इन्हां ने पिछा कीता है, मुसलमानां ने सवारियां दौड़ाइयां ते बच निकले ने, मगर एक बंदे ने दौड़ करके इनू पता लग गया किते काफिला पहुंचया है, इन्हें आके काफले ते हमला करना चाहिया, मालूम होया कि मैं कल्ला बंदा कुछ नहीं कर सकता, मगर फिर भी ये शरारत करके गया है। जड़े ऊंट ते मेरे नबी दियां
बेटियां सवार ने, इस जालम ने आके उस ऊंट नू नेजा मार दिता है। ऊंट नू तकलीफ होई ते ऊंट दौड़ पिया। जदों ऊंट दौड़िया मेरे नबी दियां बेटियां डिग पईआं ने, सैयद उम्म कलसूम डिग पईआं ने, अम्मा जी फातिमा ऊंट तो डिग पईआं ने। दोवां भैणां नू बड़ी तकलीफ आई है, बड़ी चोट लगी है। दौड़ते ऊंट तो गिर गईआं, दौड़ते ऊंट तो जदों गिरीआं ने ते बड़ियां चोटां लग गईआं, पत्थरे लाए इलाका है, बड़ा जिसम छिलिया गया है। इसे तकलीफ दे आलम दे अंदर मदीना तैयबा दे अंदर पहुंचियां ने, ते मेरे पाक नबी अपनियां बेटियां दे इस्तकबाल लई मदीने तो बाहर खड़े ने। जगां दे पीर नूं बेटियां नाल प्यार बड़ा सी। आज मुसलमाना तू भी प्यार करिया कर धियां नाले, ये मापियां नाल प्यार करदियां ने। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मापियां नूं भी बेटियां नाल उंजी प्यार करना चाहिए। मेरे पाक नबी बेटियां दा मुकाम दस रहे ने। आमना दे लाल मदीने तो बाहर खड़े ने। आपने अपनिया बेटियां नू वेखे ते बड़ी खुशी होई, नी फातिमा पुत्र किवें पहुंचियां जे। अब्बा जान पैंडा ते बड़ा सी, फाके भी सन, साजो समान भी इन्ना कोई नहीं सी। रस्ते दे अंदर सानू चोटां भी आ गईयां। एक जालम ने साडे ऊंट नू नेदा मारिया है, साडे ऊंट नू जख्मी भी कीता है। मेरे पाक पैगंबर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरिया बेटियां खैर वफीयत मेरे कोल आ गईयां ने। अल्लाह मैं इस बात ते तेरा शुक्र अदा करना, मेरी बेटी फातिमा मेरे कोल आ गई है, मेरे बेटी उम्म कलसूम मेरे कोल आ गई है। मेरे पाक पैगंबर ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया है। ते जगां दे पीर अपनी बेटी नाल बड़ा प्यार करते ने। इधरों आए नू दो साल गुजर गए ने, सैयदा फातिमा जवान हो गई ने। फरमाया अबू बकर उमर मेरी बेटी फातिमा जवान है, को फातिमा ली रिश्तेदार तमाम किया जाए, को रिश्ता तलाश किया जाए। हजरत अबू बकर उमर ने मशवरा दिता है, सोने तुहाडी बेटी भी जवान है ते तुहाडा पत्रेर अली भी जवान है, अली मुजाहिद भी है, अली कारी भी है, अली गाजी भी है, अली दीनदार भी है, तुहाडा रिश्तेदार भी है, तुहाडा भाई भी है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जे पसंद फरमाओ ते फातिमा दा निकाह अली पाक नाल कर दियो। फरमाया अबू बकर उमर तुसी रिश्ता लेके आए हो, मैं मुहम्मद कबूल फरमा लिया, मैं मुहम्मद ने मान ली है तुहाडी गल। एक रवायत जानदा है हजरत अबू बकर उमर गल कर आए, फरमाया जा अली हुण तू रिश्ता मंग। आप गालिबन इब्ने माजा दी रवायत दे, हजरत अली पाक आ गए, मेरे पाक नबी दे कोल बह गए ते मेरे पाक नबी ना को गल करना चाहते ने। आप फरमाने अली रुकना क्यों है, गल करदा क्यों नहीं है। फरमाया महबूब जी गल हुंदी नहीं पई। आप फरमाने अली मैनू इंज लगता है जिमें मेरे कोल फातिमा दा निकाह मंगण आया है, फातिमा दा रिश्ता मंगण आया है। अरब दा दस्तूर सी, बल्कि इस्लाम दा कानून है, बंदा अपने लिए आप भी रिश्ता मंग सकता है, आप भी कह सकता है, कोई गुनाह ते हर्ज नहीं है। हजरत अली ने सिरे लाया कि महबूबा गल एवें है। फरमाया अली बैठ, मैं फातिमा नूं ही पुछ लवां, मेरी फातिमा भी राजी है कि नहीं। सुने आप असी पता की करने आ, इधर बरात आ गई है बूए ते, इधर कहने मौली साहब उठो, रजिस्ट्रार नूं कहने जी उठो, अंदर जाना है जी। कादे लई अंदर जाना है, बेटी कोलों इजाजत लैण लई। ये गलत तरीका है, इस्लाम दा कानून समझ। मेरे पैगंबर ने तरीका दसिया है बेटियां ब्याहणियां किवें ले। पर मैं बेटियां तरीके कार है वे, ओ मियां मंगनी करन तो पहले बेटी कोलों पुछ, हां करन तो पहले बेटी कोलों पुछ, जवाब देन तो पहले बेटी कोलों जवाब ले। नी धीए मैं तेरा निकाह देना चाहना, तेरी हां करना चाहना, हां कर
करके बेटिया नू ना दसिया कर। निकाह दे वेले बेटिया को इजाजत नहीं मंगी दियां, बल्कि बेटिया की मंगनी करन तो पहले तिया की हां करन तो पहले बेटिया नू पुछना भी फर्ज है, बेटिया नू पुछना भी जरूरी है। ये भी अल्लाह पाक ने बेटी का मुकाम बढ़ाया है कि बेटी की इजाजत तो इलावा तू बेटी का निकाह नहीं कर सकना है। पर बेटी कुआरी है ते बोलेगी नहीं शर्म दी मारी, फरमाया उन्दी चुप रहना ही हाँ है। मगर जड़ी बेटी मुतलका या बेवा हो जाए उन्दा बोलना जरूरी। जगां दे पीर आए ने अपनी बेटी फातिमा दे कोल बह गए, फरमाया नीतिए फातिमा आज मैं तेनू वो गल्लां पुछनिया ने जड़िया मैनू पुछनिया नहीं सन चाहिदिया। इते मावां दा हक बनता है मावां तियां नू पुछणे। अपनी बीवी नू क्या करके तेरी बेटी अपनी बेटी को पुछे इधर रिश्ता देन लगे आ, क्योंकि बेटियां बाप नाल गल करन लगे आ शर्मांदियां ने, मावां नाल गल खुल के कर लैंदियां ने। हर टाइम मां दे नाल जो रहिंदियां ने, मां ते बहुतियां जड़ियां लाडियां बेटियां ने ना मां नाल प्यार करन वालियां ओ ते मावां दियां सहेलियां बन के रहिंदियां ने। फरमाया बेटा हक दे वे अज तेरे कोल ए गल्लां तेरी मां खतीजा पुछदी, मगर खतीजा ते अल्लाह कोल पहुंच चुकी है। अज मेरी मजबूरी है कि मैं तेरे कोल ए गल पुछा। मेरे पाक नबी दी बेटी समझ गई मेरा अब्बा जी मेरा किधरे निकाह करना चाहता है। अबू जी हुक्म करो। फरमाया बेटा मैं अली नाल तेरा निकाह करना चाहना, तू राजी है कि नहीं। मेरे नबी दी बेटी उठी अपने बाबे दे सीने नाल लग गई, अखां डुलन लग पईयां। मेरे नबी दियां भी अखां डुलन लग पईयां कि मेरी बेटी मेरी रजा ते राजी है। ओए नेक बेटियां मापिया दी रजा ते राजी रहिंदियां ने, नेक बेटियां अपने बाप की पग नू जलील नहीं कर दियां, इज्जत वालियां बेटियां अपनी मां की चादर नू बदनाम नहीं कर दियां, अपने बाप की दाढ़ी की लज रख दियां ने, अपने बाप की पग की लज रख दियां ने। मेरी ओ तीओ भैनो बेटियो सुन लो, मेरे पैगंबर की बेटी ने हां कर दीती है। आप रोंदियां रोंदियां बाहर आए ने, फरमाया अली तैयारी कर। महबूबा तुहानू पता है अली कोल ते अपना मकान भी कोई नहीं, अली दियां परवरिशां जो तुसी आप करदे हो मेरे कोल ते कुछ भी नहीं। आका इको मेरे कोल जीरा है, फरमाया अली ओ जीरा वेच दे, ओ हक महर बना दे। 400 दिरम दी जीरा विकी है, 200 दिरम दा साजो समान आ गया है। एक कड़ा एक चक्की ते एक चटाई ते दो प्याले आ गए ने। 200 दिरम हक महर तय कर दिता है। मेरे पाक नबी ने यारां नू जोड़ लिया है, फरमाया मेरे यारो अज मैं अली दे नाल फातिमा दा निकाह करन लग्या वां, इत्थे बैठ जाओ ते मस्जिद दे अंदर निकाह हो रहा है। आप फरमांदे ने अली प्यारे आप खड़ा हो के अपना खुतबा पढ़ सोणिया तुहाडी मौजूदगी अंदर। फरमाया अली मैं तैनू हुक्म दे रहा। हजरत अली पाक खड़े होए ने खुतबा पढ़े आए ते खुतबा पढ़ के कहिंदे ने मेरे यारो अज जगां दे पीर मेरे नाल अपनी बेटी व्याण लगे ने, सोने नबी फातिमा दा मेरे नाल निकाह करन लगे ने। दे अल्लाह दे पाक पैगंबर दी गल सुन लो, मेरे नबी दा इरशाद सुन लो। जगां दे पीर ने जाब कबूल करवा दिता है, मेरे पैगंबर ने बेटी दा रिश्ता अली पाक नू दे दिता है। सहाबा चले एक सहाबी ने ना घरों खजूरां दा टोकरा भेजिया है, जे अली दा निकाह पिया हुंदा है फातिमा पाक दी शादी भी हुंदी, लै जो खजूरां मेरे वल्लों तकसीम कर दिओ। सहाबा ने खजूरां तकसीम कर दितियां ने। सैयदना मीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने एक ऊंट ज़िबा कीता है। फरमाया मैं अली ते फातिमा दा वलीमा मैं करांगा, अली मेरा भतीजा है,
अली मेरा भतीजा है, अली दा वलीमा मैं करांगा। ऊंट सैयद ना मेरे हमजा ने जिबा कीता है, सहाबा नु बुला के वलीमा खुआ दिता है, ते मेरे पाक पैगंबर हजरत फातिमा नु टोरन लगे। आ सुन लो नेक मापे की करदे ने, आ सुन लो तरबियत की है इस्लाम दी, आ सुन लो बेटिया नु किवें टोरी दा करो। मेरे पाक नबी ने इधर सैयदा फातिमा घर तैयार हो रही ने, ओ यार तैयारी भी की होनी सी, केड़े ब्यूटी पार्लर सन, और केड़िया करीमा ते जनाब केड़े मेकअप सन। कायनात दी सरदार पैगंबर दी बेटी आज पुराना सूट धो करके मेरे नबी दी बेटी नू पहनाया जा रहा है। मेरे नबी दियां बीवियां अंदर तैयार पियां कर दियां ने, ते एक बीवी विचो एक बीवी ने या किसी अंसारी औरत ने कह दिता है, नी फातिमा अज तेनू मां खदीजा दियां यादां ते आंदियां होणगियां। मावां जिंदा होण ते तियां नू चाह नाल व्याहदियां ने, तियां दे शौक पूरे कर दियां ने, तियां दियां ख्वाहिशां पूरियां कर दियां ने। अज तेरी हकीकी मां मावां ते तेरियां सारियां ही ने, ऐशा भी तेरी माँ है, जवैरिया भी तेरी माँ है, मारिया किबतिया भी तेरी माँ है, सौदा भी तेरी माँ है, सैयदा उम्मे सलमा भी तेरी माँ है, पर तेरी हकीकी माँ सैयदा खदीजा कोई नहीं। अज तेनू माँ दियाँ यादा ते आउंदियाँ होणगियाँ। ओ केड़ी धी है, ओ केड़ा बेटा है जिन्हों इस वेले ते अपने फौत होए माँ पे नहीं याद आंदे। सैयदा फातिमा दियाँ अखां डुल पईआं, जारो कतार रोण लग पईआं। बार इतलावां मिलियां मेरे पैगंबर नूं, अज खुशी दे मौके ते फातिमा रोन लग पई है। मेरे पैगंबर करी तशरीफ ले आए ने, फरमाया फातिमा पुत्र क्यों भी रोनी है, महबूबा तुहाड़ी बेटी नूं मां खतीजा याद आ गई है। मेरे पैगंबर दियां भी अखां डुल पईआं, सीने नाल लगा ले। आप फरमांदे ने खतीजा फातिमा बाप मां वाला प्यार ते तियां नू नहीं दे सकदा। अल्लाह पाक ने मां दा प्यार अलग बनाया, तियां नाल मावां दे रिश्ते रब ने अलग बनाए ने। ओ प्यार ते मैं नहीं दे सकदा, मगर तेरा बाबे ने तेरे नाल कदे कमियां ते नहीं छड़ियां। तेरे बाबे ने हर मौके ते तेरे नाल बड़ा प्यार कीता है। नी धीए आ प्यार मेरा भी समझी, ते मां खतीजा दा भी समझी। मैं तेनू खतीजा ज्यादा भी प्यार दिया देंगा, ते तेनू अपना भी प्यार देंगा। मेरे नबी ने दिलासे दिते ने जदो अली पाक नाल टोरन लगे ने। आप फरमा नहीं फातिमा मेरा अली मेरा भरा अली, कमजोर है ते गरीब है, मैं अली दा मकान वेख के बेटी दा नहीं दिए तेरा रिश्ता नहीं किया, मैं अली दी जायदाद वेख के रिश्ता नहीं किया। मेरे पैगंबर ने फरमाया रिश्ते दिया चार वजह ने किधर रिश्ता करम दिया। पहली वजह है कि बंदा किसी औरत दे उसनो जमाल दी वजह तो रिश्ता करता है। दूजी वजह है कि बंदा औरत दे खानदान दी वजह तो रिश्ता करता है। तीजी वजह औरत दे माल दी वजह तो रिश्ता कीता जांदा है। चौथी वजह है कि औरत दे इमाम ते दीन ते इस्लाम ते पर्दे ते हया दी वजह तो रिश्ता कीता जांदा है। सरकार फरमांदे ने लोगो ये माल भी मुक जाना जे, हुसन भी मुक जाना जे, खानदाना दियां की हसीयतां ने, सारे पिछों आदम दी औलाद ने। तुसीं रिश्ता करना ते इमाम दी बुनियाद ते, इस्लाम दी बुनियाद ते, दीन दी बुनियाद ते। फरमाया फातिमा मैं तेरा रिश्ता इमाम दी बुनियाद ते कीता है। मेरा अली तहज्जुद गुजारे, मेरा अली मुजाहिद ते कमांडर है, मेरा अली दीन वाले, मेरा अली कारी है कुरान है, मेरा अली नेक है, मेरा अली मुसलमान है। ते फरमाया नी फातिमा मैनू अली वालों उलामा नहीं आना चाहिए, अली दे घर खुरबता वेख के मेरे वाले उलामे लैके ना आई, मैनू अली दियां शिकायतां ना करी, ना तियां दी कंड ते हथ फेर के तियां उजाड़िया कर, आप उजाड़ना नाराज ना होवीं। तियां नू कहना एक करन ते चार करी, असी इन्ने भरा, असी ते जनाब एडे मालदार, इन्ना जे दित्ता किसे दी जरूरत की तेरे वाले वेख जाए। और ना मियां इंज दियां दलेरियां नहीं देई दियां, बल्कि धियां
बच्चों की तरबीयत करी दी है जिवे नेक मावा तरबीयत कर दिया ने। और घरों टुरद्या तीनों मां मत दीती, घरों टुरद्या तीनों मां मत दीती, ने तीए इस गल का ख्याल रखी जिथे तेरे सिर दा ताज पैर रखे तू उथे अपने सिर दे वाल रखी। और ना बनी तेरे सारे जग नाल पर सुला तू एक खाम दे नाल रखी। जदों इंज दियां तरबीयत होण फिर तियां उजड़ के नहीं आंदियां ते मेरी ओतियो मैं तुहानू ही पैगाम देवां। मेरी जवान भैनों मैं तुहानू भी पैगाम दिया बीबीओ सुन लो ध्यान दे नाल। निक्कियां निक्कियां गल्लां ते मापिया नू टैलीफोन करके मापिया नू दुखी ना करिया करो। नहीं धीओ तुहानू की पता है तुहाडे निक्के जे फोन ते तुहाडे बाबे नू किन्नियां तकलीफां आणियां ने। मैं किन्ने ऐसे लोगों नू जानना इधर बेटी दे दुख आए ने, इधर फल दा अटैक हो गया, इधर बेटी दा टैली फोन आया है, इधर बाबे दे दिल नू अटैक होया है। साडे महल्ले विच इक जवान बंदा मरिया है, बेटी नू तलाक हो गया है। जिस रात बेटी दा समान लेके आए ने रात 10 बजे समान पहुंचे है ते 3 बजे बाप फौत हो गया है। निक्की निक्की गल ना दसिया कर मेरी धी भैण अपने मापिया नू, कुछ सबर भी करया कर। तेरा खावन दे जे उच्ची बोलिया ते सबर कर तेनू अल्लाह अजर अता करेगा। जे तेरी सस ने तेनू को गल कर ली तेरी माँ है, तेरे सुसर ने जे तेनू को बोल बोल दिता तेरा बाप है। ना उजाड़िया कर अपने मापिया के घर भी, तेनू की पता कि तू लड़ के बाप के बूहे ते बैठेगी ते तेरे बाप का सुकून मुक जाएगा, तेरे बाप का चैन मुक जाएगा, तेरे बाप की तेरी माँ की जिंदगी दियाँ लज्जतां मुक जाणगियां। लिहाजा मेरी माँ भैन बेटी मेरिया तियां दे आ मेरा पैगाम है, मेरिया भैणां दे ना मेरा पैगाम है। निक्के निक्के दुख मापिया नू ना सुनाया करो, अल्लाह की रजा लई कदे सबर भी कर जाया करो, अल्लाह नू राजी करन लई कदे खावन की गाल भी बर्दाश्त कर लिया कर। जमीन ते खावन राजी कर, अल्लाह जुल जलाल तेरे ते राजी हो के तेरे लिए जन्नत दे अठे दरवाजे खोल देगा, तेनू जन्नत दा मालक बना देगा। मेरे पाक पैगंबर दी पाक बेटी मेरे नबी दी तरबीयत जी सी, नमाजिया बेटी मेरे पैगंबर दी, कारिया बेटी मेरे पैगंबर दी, रोजेदार बेटी मेरे पैगंबर दी, हाफजा ते कारिया ते आलमा मेरे पैगंबर दी बेटी। यार इस तू वध शान की है, कायनात दे सरदार नबी दी बेटी है, इमामुल अंबिया दी बेटी है, मेरे पैगंबर दा लखते जिगर, मेरे पैगंबर दा नूरे नजर है। ओही फातिमा जिंदे बारे आपने फरमाया है, फातिमा ते मैं मुहम्मद दे दिल दा टुकड़ा है, फातिमा ते मेरे दिल दा चैन, फातिमा ते मेरे दिल दा चैन है। लखते जिगर नबी दी है, लखते जिगर नबी दी, सरदार फातिमा जन्नती है औरतां दी, सरदार फातिमा। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे दिल दा टुकड़ा है। और कौन है सैयदा फातिमा? आप फरमाया करते सन जिन्हें फातिमा नू दुख दिता है उन्हें एवं है जिमें मैं मुहम्मद नू दुख दिता है, जिन्हें फातिमा नू राजी किया है, जिन्हें फातिमा नू खुशी पहुँचाई है उन्हें एवं है जिमें मैं मुहम्मद नू खुशी पहुँचाई है। ते बाबा शमशान बोलिया, तांदले दा वली बोलिया, आंदने ओ एक दिल बोल के कहिंदे, ओ एक दिल बोल के कहिंदे, ऐ नबी गफारी जी मेरे दिल दा टुकड़ा मेरी, ओए बेटी प्यारी जी, ओ जेड़ा इनू तकलीफ देवे
मैनू लगदी ओ पारी जी आखे पैगंबर सरवर साई ओ जेड़ा कोई फातिमा नू दुख पहुंचावंदा ओ जेड़ा कोई फातिमा नू दुख पहुंचावंदा ओ मैनू तकलीफ देंदा सोना नबी फरमावंदा ओ जेड़ा कोई सुकून फातिमा नू पहुंचावंदा ओ देंदा है सुकून मेरे ताई। मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा फातिमा नू राजी करदा है ओ तेवें ही है जिवें मैं मुहम्मद नू राजी करदा है। और कौन है सैयदा फातिमा? हजरत उज़ैफा मेरे नबी नू मिलन लई जा रहे ने ते आप दे पिछे पिछे ने। आपने नजर मारी उज़ैफा जी सुनिया मैं उज़ैफा वा। आप फरमांदे ने उज़ैफा अल्लाह तैनू ही माफ करे ते तेरी मां नू ही माफ करे। किन्नी नेक ओ बीबी होएगी हजरत उज़ैफा दी मां जिंदे लई मेरे नबी दुआवां पे करदे ने जिंदे लई जगां दे पीर दुआवां पे करदे ने। ओ बीबी किन्ने मुकाम वाली है। फरमाया उज़ैफा अल्लाह तेरे ते भी रहम करे ते तेरी मां ते भी रहम करे। अल्लाह तेरी मां नू ही माफ फरमाए। उज़ैफा आसमान तो एक दरवाजा खुलिया है जड़ा अज तक पहले कदे नहीं सी खुलिया। आसमान तो एक फरिश्ता आया है जड़ा अज तिकर पहले मेरे कोल कदे नहीं सी आया। ओ बड़ी देर तो तरले पिया मारदा अल्लाह पाक दे अगे अरशां वाले आ मैनू जमीन ते जान दे। मैं जमीन ते जाके तेरे महबूब दा दीदार करना चाहना वा तेरे सोने नबी दी ज़ियारतां करना चाहना। अज कई साल बाद अल्लाह पाक ने उन्हें इजाजत अता फरमा दितियां ने ते रब ने ना उन्हें भेजिया फरमाया जाके मेरे नबी दा दीदार भी करे ते मेरे नबी नू मेरा पैगाम भी दे देवी। उज़ैफा फरिश्ता के मैनू कहिंदा पिया है कि सुनिया महबूबा अल्लाह पाक ने तुहाडे शहजादियां नू हसनैन करी मैनू जन्नत दे नौजवानां दा सरदार बना दिता है ते तुहाडी बेटी नू अल्लाह पाक ने जन्नत दियां हूरां दा सरदार बना दिता है जंती औरतां दा सरदार बना दिता है। कौन है सैयदा फातिमा जिन्हों अपने बाबे मुहम्मद नाल इन्ना प्यार है? मेरे नबी नू अपनी बेटी नाल इन्ना प्यार है। आका अपनी बेटी जदों घर आंदी मेरे नबी दरवाजे ते जाके सैयदा फातिमा दा इस्तकबाल करदे। बेटियां बयान तो बाद बेटियां नाल किंज प्यार करना है तरीका मेरे नबी बयान पे करदे ने। सैयदा फातिमा आंदियां मेरे नबी दरवाजे ते जांदे सैयदा फातिमा नू मिलदे ते इस हदीस नू बयान करन वाली अम्मी आयशा सिद्दीका है। सुभान अल्लाह आज कई कालियां जबाना वाले कहते ने ऐशा और फातिमा की नहीं बनती थी ये आपस में मुखालफ थी। और जबान तेरी सड़ जाए गंदिया जिमें उत्तो सड़े हैं जिमें विचो सड़े हैं। अल्लाह तेरी कबर अग नाल भर दे अल्लाह तेरी आखरत बर्बाद कर दे। तू मेरे नबी दी बीवी ते झूठ बोले है मेरे नबी दे कर दे इल्जाम लगाया। पढ़ बुखारी शरीफ बुखारी विच लिखे आए अम्मा फातिमा दी जिन्नी शान बयान की है अम्मी आयशा ने बयान की है। क्यों जी अम्मा आयशा नू प्यार ना हुंदा ते अम्मा फातिमा दी शान बयान करनी सी? जिन्नियां हदीसां ने सारी हदीसां दी रावी अम्मी आयशा है। सुभान अल्लाह अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मेरे नबी दरवाजे विच जाके सैयदा फातिमा नू सीने नाल लगांदे अम्मा जी फातिमा की पेशानी ते बोसा देंदे ते सैयदा फातिमा अपने बाबे दी पेशानी ते बोसा देंदियां। फिर मेरे नबी अन करके फातिमा दे कंधे ते हाथ रख देंदे अम्मा जी फातिमा मेरे नबी दे कंधे ते हाथ रख देंदियां जिवें बेली एक दूजे दे कंधियां ते हाथ रखदे ने। आप अपनी प्यारी बेटी नूं इंज प्यार नाल लिया के ते सज्जे पासे लिया के बिठा देंदे नाल फरमाया करदे मैनू फातिमा नाल बड़ा प्यार है फातिमा मैनू
बड़ी प्यारी लगती है। आप पूछा गया बुखारी बेच सोने तुहानू सब तो घर प्यारा कौन लगता है, फरमाया मैनू मेरी बेटी फातिमा सब तो ज्यादा प्यारी लगती है। तो सैयदा फातिमा आदियाँ मेरे नबी खड़े होके बेटी का इस्तकबाल कर दे, ते मेरे नबी सैयदा फातिमा दे घर जाते। अम्मा फातिमा अपने बाबे की सुन्नत अमल कर दिया, दरवाजे च खड़े होके अपने बाबे का इस्तकबाल कर दिया, अपने बाबे की पेशानी ते बोसा दे दिया, अपने बाबे के कंधे ते हाथ रख दिया, ले आके सरहंदी वाले पासे अपने बाबे नू बिठा दिया। मेरे पाक नबी दी बेटी जदों वे आई गई, अम्मा जी फातिमा दा घर थोड़ा जिहा दूर मिले आए, अम्मा जी फातिमा दा भी दिल करदा मैं अपने बाबे को आ जावा, मेरे नबी दा भी दिल करदा कि फातिमा मेरे गवांड आ जाए। ते मेरे नबी दा एक सहाबी जिन्ने पहले सात मकान अल्लाह दे रावे दे दिते ने, अर्ज करदा सुने मेरा तुहाडे घर दे नाल एक मकान खाली पे आए, आका जी जे फातिमा नू अपने गवांड ले आना चाहते हो ते मकान मैं देण नू तैयार हाँ। आका फातिमा नू गवांड ले आए। सैयदा फातिमा नू अल्लाह पाक ने तीन बेटे दिते, सैयदा फातिमा नू अल्लाह पाक ने तीन बेटियां दितियां, एक बेटा मोहसिन बचपने दे अंदर ही फौत हो गया, बेटे हसनैन करीमैन जवान होए, उन्हां दा मुकाम ते तुसी सुने आई है। मैं जड़ा पैगाम देना है सीरत फातिमा दा पैगाम है। अम्मा जी फातिमा बहुत ज्यादा जिथे आप नमाजा पढ़दियां उत्थे अपने बच्चियां दी तरबियत भी इंज कीती है। निके निके बच्चे ने हाले दो तीन दो दो साल दे ने, हाले तीन तीन चार चार साल दे ने, इन्हां नू तैयार कर दिया, इन्हां नू सुरमा पांदिया, इन्हां नू नहलांदिया, फिर लंबे कुरते पांदिया जिवें अरबी अज भी लंबे कुरते, इंज दा लम्मा कुरता पहनांदिया, ते फिर मस्जिद वल्ले टोर देंदिया। कदे जुमा पढ़ांदे आ मेरे नबी कोल शहजादे आ रहे ने, कदे नमाज विच मेरे नबी दे नाल आ के खेडदे पैने, आप दे कंधे ते सवार हो जांदे ने। एक दिन आप सजदे विच पैने, हसनैन करीमैन सजदे विच मेरे नबी दे उपर सवार हो गए, आपने सजदा लम्मा कर दिता, इन्ना लम्मा कीता। एक सहाबी कहिंदा मैनू शक पै गया किते जगां दे पीर वफात ने ना पा गए, आंदा मैं सजदे दे विचों सिर चुक लिया इस डर तो कि जगां दे पीर नू वेखां, आंदा मैं सिर चुक के वेखे आप तस्वीर हाथ पे पढ़ते ने, आप दी कमर ते हसनैन करीमैन चढ़े हुए ने, आपने उन्होंने थले उतारे है, नमाज मुकम्मल की है। सुने इन्ना लम्मा सजदा क्यों किया जे, फरमाया मेरे नवासे मेरे उत्ते सवार सन, मैं सजदा लम्मा कर दिता है, चलो मेरे बच्चे सुकून लै लैन, चलो मेरे बच्चे अपना शौक पूरा कर लैन। मेरे पाक नबी नू बेटियां दी औलाद नाल भी प्यार और बेटी नाल इन्ना प्यार है। सुन लो आखिरी गल, सीरत फातिमा ते नहीं मुक सकती, अगले जुमे विच भी बयान करिए ते ना मुके। आखिरी गल सुन लो, मेरे पाक नबी दी बेटी बाप परदा बेटी, मेरे पाक नबी दी बेटी बहुत ज्यादा जिक्र करन वाली, अपने घर दे कम आप करन वाली, और मेरे महबूब पैगंबर नू बेटी नाल इन्ना प्यार है। आखिरी टाइम भी मेरे नबी ने याद किया फातिमा नू, याद आप बीमार पैने आखिरी दिन ने मेरे नबी दी जिंदगी दा। मेरे पाक पैगंबर नू मालूम हो गया जिंदगी दियां डोरां मुकदियां पईयां ने, जगां दे पीर फरमांदे ने मेरे घर वाले ओ मेरी बेटी फातिमा नू ही आखिरी वेले मैनू मिला दिओ, मेरा जी चाहुंदा है आखिरी वेले मैं फातिमा दा दीदार ही कर लवां। हालांकि गवांडन बेटी है रोजाना मिलती है, कदे मेरे नबी उधर सौंदे ने, कदे फातिमा मेरे नबी दे घर सौंदियां ने, फिर भी मेरे नबी फरमांदे ने नी मेरी ओ बीवी ओ मैनू फातिमा नू मिला दिओ। सैयदा फातिमा आईयां ने अगे मेरे पैगंबर दरवाजे खड़े हो के इस्तकबाल कर दे, अज सैयदा फातिमा आईयां मेरे नबी दरवाजे च खड़े नहीं हो सके, आप चार पाई तो नहीं उठ सके, इन्नी तकलीफ है सोने पैगंबर नू। अम्मा जी फातिमा ने जदों दरवाजे च आईयां ते बाबा नजर नहीं आया, समझ गईयां कि अज मेरे
अबे नू बड़ी तकलीफ है, अज मेरे बाबे नू बड़ी तकलीफ है, बाबे दे दरवाजे दियां दलीजां पकड़ लईयां, नाले रो के कहंदियां ले आए मेरे बाबे नू किन्नी तकलीफ है, आए मेरे बाबे नू किन्नी परेशानी है, अज मेरे बाबे नू किन्ना कम बुखार है। आ फरमाने फातिमा मेरे करीब आज तेरे बाबे दियां सारियां तकलीफां मुक जाणगियां, अज तेरे बाबे दे सारे गम मुक जाणगे। जगां दे पीर ने सैयदा फातिमा नू सीने ते लिटाया, नाले मुंह चुम्मी जा रहे ने, पेशानी ते बोसे दित्ती जा रहे ने, नाले रोई जा रहे ने, नाले फरमाने फातिमा सबर करी, मेरे खानदान विच अल्लाह पाक सब तो पहले मुलाकात करवाएगा, ते फातिमा मेरी ते तेरी करवाएगा। यही वजह है मेरे मुस्तफा दी वफात तो बाद 6 महीने बाद अम्मा जी फातिमा वफात पा गईयां। हजरत अली पाक ने गुसल दिता है, इतने मौलवी आंदे ने बीवी फौत हो जाए उन्हें मुँह वेखना जायज नहीं, उन्हें हाथ लाना जायज नहीं, बंदा कंधा नहीं दे सकता। और बदबख्ता ये निकाह ऐसा है जेड़ा जे बीवी नेक तो बंदा भी नेक है, ये निकाह तो जन्नत विच भी तेन कट्ठियां कर देगा। तू दुनिया से निकाह तोड़ दिता है, तू दुनिया में शरीयत मर्जी की बना ली है। हजरत अली पाक ने आप गुसल दिता है, हजरत फातिमा पाक नू आप नहलाया है, आप कफन पहनाया है, और सैयदना सदीक अकबर ने जनाजा पढ़ाया है। फरमाया अली जी मैं सारी जिंदगी पर्दे विच गुजारी है, मैं सारी जिंदगी अपना चेहरा नंगा नहीं किया, अली जी मेरे वजूद नू कोई बंदा नहीं वेख सकिया, मैं मैदान जिहाद विच भी मगर जांदी रही, मगर अपने आप नू छुपा के जांदी रही। अली जी